झारखंड सरकार द्वारा 1932 के खतियान को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से राजधानी रांची जश्न का दौर जारी है। आज कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जुलूस निकला। इस मौके पर राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में उत्सव का माहौल है। स्थानीय नीति को पहले विधानसभा के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। भावनात्मक लगाव है और झारखंड की अस्मिता से जुड़ा है। बिल्कुल उत्साह की बात है, पूरा झारखंड उत्साहित है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं। हाँ, कुछ लोग परेशान जरूर हैं जो आज तक इस मुद्दे को कहीं ना कहीं मुद्दा बना करके और लोगों की भावनाओं के साथ खेलते थे। वैसे तमाम लोग परेशान हैं और उनकी बोलती बंद है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी बात रखूं कि फिर से एक बार इनकी भावनाओं के साथ खेल किया जाए। लेकिन अब वो चलने वाला झारखंड में नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री संजीदा है, गठबंधन की सरकार है, तो ऐसा कोई भी भावना से खेलने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों ने 32 की लकीर खींच दी है, बहुत जल्द आपको कानून के रूप में दिखाई देगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।